लो फैट मावा के साथ आज हमने बनाई है बेक्ड गुजिया। नमस्कार, मैं हूं बबीता और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बब्बीज किचन में। होली का त्यौहार आते ही घर घर में बनने लगती है गुजिया, तो गुजिया जो है आज हम बनाते हैं कुछ नए ट्विस्ट के साथ में, ताकि जो तेल और घी का इस्तेमाल इसमें कम से कम हो सके। इसको बनाया आज मैंने बेक करके, तो ओवन में मैंने इसे किया था 30 मिनट बेक, और ये जो है फ्राइड गुजिया से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसके साथ इसमें जो मावा हमने यूज़ किया है उसको भी हमने घर पे ही प्रिपेयर किया था, वो भी लो फैट मिल्क के साथ। जो दूध घर में आता है उसको हमने रख दिया था फ्रिज में, और जब उसकी मलाई जम गई तो हमने मलाई ऊपर से निकाल दी, और बिना मलाई का जो दूध बच गया उसका हमने ये बनाया है ये खोया। तो ये खोया जो है काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और इसे हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए हल्का सा इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी सौंधा इसका टेस्ट हो जाता है। तो ये वाला जो खोया है उसमें बहुत सारा घी का कंटेंट नहीं होता है, इसे आप बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ा सा अभी गीला जैसे आपको दिख रहा होगा, बट ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम जाता है। इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें घी का कंटेंट बहुत कम है। और खोया किस तरीके से बनाना है इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो खोया हमारा हो गया है रेडी, चलिए बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो हम बस आसानी से घर में ही सारी चीज़ें तैयार करके इसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है इसे बनाना। देखिए अभी खोया जो है काफ़ी आपको गीला लग रहा होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल जमने वाला है, ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम जाएगा। चलिए ले लिया है मैंने अभी 2 कटोरी मैदा, तो 2 कटोरी मैदा में हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 चम्मच भर के घी। तो ये घी अभी जो है जमा हुआ था इसलिए 2 चम्मच था, मैंने जब चम्मच से निकाला मेल्ट कर दिया है मैंने इसे, और मेल्ट करने के बाद इसे मैं ऐड करने वाली हूँ, तो इसे चम्मच से मैं ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ, अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसे बाइंड करके देखूँगी। अगर ये मुट्ठी में अच्छी सी इसकी मुट्ठी बंध रही है तो घी सफिशिएंट है, वरना जो बचा हुआ 1 चम्मच है उसे भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो मैदे को मोयन लगाने के लिए हमें घी और मैदे को करना होता है अच्छे से मिक्स। तो इसे मसल मसल कर कर दीजिए एक साथ। तो अच्छे से जब मैदा और घी मिक्स हो जाएगा और इसकी हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे, अगर ये मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब ये हो चुका है, वरना थोड़ा सा घी और डाल दीजिए और इसे फिर से कर दीजिए मिक्स। तो हमने जो बचा हुआ घी था वो ऐड कर दिया है, और इसे फिर से हम मसल मसल कर इस तरीके से कर लेंगे। देखिए मुट्ठी अगर हम बांधते हैं और ये बंध रही है, इसका मतलब हमारा जो मोयन लग चुका है, अब हमें इसे गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालेंगे तभी इसको अच्छे से हम गूंद पाएंगे, क्योंकि आपने अगर इकट्ठा पानी डाल दिया तो ये गीला हो सकता है, मैदा जो है अक्सर गूंदने के बाद गीला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है, और आराम आराम से डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और गूंदते जाइए, बस इसी तरीके से इसको गूंदना है। तो देखिए मैंने ये छोटे से ग्लास में पानी लिया था और कितना कम इसमें यूज़ हुआ है। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इस सारे डो को कंबाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये डो तैयार किया, और देखिए ज़्यादा लूज भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, तो इसे हमें कवर करके रखना है, और 10 मिनट के बाद ये जो है काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम कर लेते हैं अपने फिलिंग की तैयारी। फिलिंग के लिए ले लिया है मैंने ये 1 कटोरी बूरा, और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड अपना खोया। जो हमने खोया तैयार किया था फ्रिज में रख दिया था उसको हमने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो हाथों से मसल मसल कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे ग्रेट करके रख लिया है। और क्यों, देखिए कितना अच्छा कलर है इस खोए का, मैंने इसे अच्छे से भूना था, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और खुशबू है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, तो ये मैंने ग्रेट करके रख लिया था, तो ये हमें बिल्कुल अब मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काजू ले लिए मैंने बारीक कटे हुए, और थोड़े से बादाम जो है वो भी मैंने बारीक कटे हुए लिए हैं। चिरौंजी डाल रही हूँ मैं, और किशमिश डाल रही हूँ इसमें। इलायची के दाने जो है मैं इसमें कूट कर डालूँगी। तो ये सारे जो है चीज़ें हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। फिलिंग हो चुकी है रेडी, मैदे को रोल करके हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और इसकी बनाएंगे हम गुजिया। तो पूड़ी की तरह हमें इसे बेल लेना है, और मोल्ड में इसे सेट करके गुजिया हम बना लेंगे। तो बस मैंने एक मोल्ड लिया है, उसको डस्ट करने के लिए थोड़ा सा मैदा साइड में रख लिया है। मोल्ड में अगर हम मैदा लगाते हैं तो इसमें गुजिया हमारी चिपकती नहीं है, और इसे हम इजीली
डीमोल्ड कर सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने मैदा लगाया है, अच्छे से एक एक पूड़ी हम बेलते जाएंगे और इसे भरते जाएंगे। अक्सर क्या होता है परिवारों में कि सब लोग बैठते हैं एक साथ और दो लोग बेलते रहते हैं, दो तीन लोग भरने वाले बैठे होते हैं, फ्राई करने वाले फ्राई करते रहते हैं। तो इसी तरीके से जब होली पर बहुत सारी गुजिया बनती हैं तो काम जो है हो जाता है आसान। तो हम लोगों के घरों में इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत याद आती है बचपन की चीज़ें, और बचपन में हम अक्सर इसी तरीके से बनाया करते थे। दादी जो हैं वो बेलती रहती थी, हम फिलिंग इसमें भरते थे और हम सब भाई बहन जो है लेकर मोल्ड बैठ जाते थे कि फिलिंग हम भरेंगे और हम इसे तैयार करते थे। सारा परिवार मिलकर जो है इस तरीके से ये बहुत सारी गुजिया जो है हम बना लेते थे। मैंने ले ली है बेकिंग ट्रे और उसके ऊपर लगा दिया है बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर को हम करेंगे थोड़ा सा ग्रीस। तो ग्रीस करने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 से 3 ड्रॉप्स देसी घी, उसको अच्छे से फैला दिया है और इसमें हम अरेंज करेंगे हमारी गुजिया। तो गुजिया जो है हम इसमें लिटाकर सीधी ऐसे रखेंगे और ये अच्छे से बेक हो जाएंगी। तो बिल्कुल चिपका के मत रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा गैप करके इन्हें अरेंज कर दीजिए। तो अब क्योंकि मेरा ओवन है थोड़ा छोटा तो मैं इसमें 10 ही गुजिया एक बार में बेक कर पा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से देखिए सारी गुजिया तैयार कर लीजिए और ट्रे में कर दीजिए अरेंज। तो हमारी गुजिया तो हो गई हैं रेडी, चलिए इसे करते हैं ओवन में सेट। तो ओवन को जो है हमें दोनों रॉड्स इसको ऑन रखने हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो जैसे हम केक में बेक करते हैं तो नीचे से हम कर देते हैं, नहीं इसे ना उस वाले मोड पे रखना है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ रॉड चलती है। जैसे हम ग्रिलिंग करते हैं तब करते हैं, तो बस बीच वाले जो रैक है मिडल रैक में मैंने इसको सेट किया है। नीचे भी नहीं रखना है, ऊपर भी नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इवनली इसमें हीट लगेगी और ये गुजिया हमारी अच्छे से बेक होगी। तो इस समय जो है 170 डिग्री पर मैंने इसे 30 मिनट के लिए बेकिंग के लिए सेट करके रखा है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हुआ है। ये 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, ये देखिए काफ़ी इसका कलर चेंज हुआ है। तो बस इसे हमें थोड़ी देर और बेक होने देना है और उसके बाद हम इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारी गुजिया जो है बिना तेल के किस तरीके से अच्छे से बेक हो रही हैं और अच्छे से पक रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं, फ्लेकी, और बहुत ही खाने में मज़ा आता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और जो है फ्राइड वाली गुजिया तो आप अक्सर बनाते रहते हैं, इस होली पर इसे भी ट्राई कर लीजिए। बस इसे हम एक बार निकाल कर देख लेंगे। आपको अगर ये लगता हो कि ऊपर से थोड़ा सा ड्राई ड्राई है तो आप ऊपर से थोड़ा सा घी से ब्रशिंग भी कर सकते हैं, उससे इसमें थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसे करें शेयर। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो।